रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, साथ और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन की एक अलग तरीके की रेसिपी। ये बैंगन है, मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। तीन बैंगन है, दो टमाटो से, हाफ गड्डी धनिया है, दो मूँगफली दो चम्मच है, दो चम्मच पिसा हुआ खोपरा है कद्दूकस किया हुआ, और बेसन है दो चम्मच, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, हाफ चुटकी हाफ चम्मच हल्दी है, नमक के स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी और तीखी दोनों मिला के डेढ़ चम्मच है, और ये तेल है दो चम्मच। तो चले फिर शुरू करते हैं हम अलग तरह की बैंगन की रेसिपी बनाना। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हम इसमें बेसन भी ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से भुनेंगे हम। बेसन को भी बेसन अच्छी तरह से बेसन भून चुका है, हम इसमें खोपरा भी ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से भुनेंगे। बेसन खोपरा और मूँगफली अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा हो चुका है और इसमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी मैं हाफ चम्मच, मेरे हाथ में थोड़ा लग गया है, सॉरी, आप देख कर टेंशन नहीं लेना। हाफ चम्मच जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी और तीखी दोनों ऐड कर देंगे। हमने इसे सूखा ही पीस लिया है दरदरा मिक्सी में, अब हम इसे बाउल में ऐड करेंगे। हमने इसे इस तरह से पीस लिया है, बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब हम इसमें बैंगन में भर देंगे। हमने सारे बैंगन में मसाला भर लिया है, बैंगन में मसाला ऐड कर दिया है, हमारे पास इतना मसाला भी बच गया है, वो हम ग्रेवी में ऐड करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे ना उसमें। चले फिर इसकी ग्रेवी की तैयारी। चले तो फिर बैंगन को हम पहले स्टीम करेंगे थोड़ा, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हमने इस तरह से रख दिया है बर्तन, अब इसमें बैंगन ऐड करेंगे। इस तरह से हमने बैंगन रख दिए है, अब इसको हम लीड कर देंगे, ढक्कन दे देंगे। हमने इसको ढक्कन बंद कर दिया है, 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। हमारे बैंगन स्टीम हो चुके हैं, अब हम गैस की लो को बंद कर देते हैं। चले फिर हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, दो चम्मच भर के कुकिंग ऑयल है, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इसमें हमने तीन से चार जवे लहसुन के दरदरे पीस के रखे, वो हम ऐड कर देंगे। इससे हम अच्छी तरह से सोते करेंगे, तो सोते करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जावे, जब तक सोते करेंगे। हम इसमें एक पिंच हींग ऐड करेंगे, मेरे को मालूम है कि एक पिंच है, आप चम्मच से डालना क्योंकि मुझे अंदाजा है इसमें कितनी गई है ही। सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। दो चम्मच फूल भर के दही ऐड किया है, बहुत टेस्टी बैंगन बनते हैं, ये पीनट बैंगन है ये,
बहुत स्वाद में बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार बनाकर ज़रूर देखना मेरी रेसिपी कैसी लगती है। लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने बैंगन में भी नमक ऐड किया था, इसके लिए हम इसमें कम ऐड करेंगे। बाद में हम इसको टेस्ट करके फिर अगर कम हुआ तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा होएगा तो हम निकाल नहीं सकते। इसके लिए हम मैंने दही का पानी रखा है वो डाल देती हूँ इसमें, इसे अच्छी तरह से पकने दूँगी, इसमें बॉयल आ जाए वहाँ तक पकने दूँगी इसे। हम इसमें एक चम्मच भर के पीनट ऐड करेंगे ताकि ये मसाले के साथ थोड़ी सोते हो जाए। हम इसमें एक हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब हमारे स्टीम किए हुए बैंगन है वो हम ऐड कर देंगे इसमें आराम से, क्योंकि ये स्टीम किए हुए हैं इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इसे मसाले में छोड़ देंगे, हल्के हाथ से इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे ताकि मसाला इसमें रस बच जाए। फ्लेम हम लो रखेंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चले फिर चेक करते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अच्छी तरह से गल चुके हैं ये मसाला, खुशबू तो इतनी आ रही है। और ये मैंने मसाला रखा था वो इसके ऊपर मैं छिड़क दूँगी दो चम्मच, क्योंकि ये मसाला भुना हुआ है इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ 2 मिनट के ढकेंगे फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। चले फिर डिश आउट करते हैं, फिर मिलती हूँ। तो कैसी लगी मेरी पीनट बैंगन की डिश, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि ऐसी नई नई वीडियो में डालूँ तो आप तक पहुँचती रहे। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।